मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट के गोपाल डीह फुटबॉल मैदान में झारखंड सरकार की लोक कल्याणकारी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण का उन्होंने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, सांसद विजय हांसदा समेत कई अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में करीब 6,146 लाख रुपए के 638 योजनाओं का उद्घाटन और 14,994 लाख रुपए की 145 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। साथ ही कार्यक्रम स्थल से ही साहिबगंज सदर अस्पताल स्थित नवनिर्मित मॉड्यूलर ओटी का भी उद्घाटन किया गया। वहीं कई विभागों के सैकड़ों लाभुकों के बीच करोड़ों की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। आप लोगों को कृषि के नए तरीके से जोड़ा जा रहा है, लेकिन ये हमारे विपक्ष लोग आए दिन हमारे काम में रोड़ा लगाने का कोई कसर नहीं छोड़ता। ये लोग तो अब ईडी सीबीआई के पीछे जाके छुप गया है और उसी को सामने कर देता है और इसको लगता है कि ईडी सीबीआई के नाम पर ये सरकार डर जाएगी। ये सरकार डरने वाली नहीं है, ये सरकार लड़ने वाली है और भगाने वाली है। खत्म होता है तो उलूर जुलूर आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है? और जिस सरकार ने भ्रष्टाचार करके पूरा राज को बेड़ा गर्क कर दिया है, उस भ्रष्टाचारी को आज गवर्नर बना करके भेज दिया है। अरे वाह, इस प्रयास में है कि यहां पर हमारे आदिवासी भाइयों का, गरीब भाइयों का, अल्पसंख्यक भाइयों का, ओबीसी का, सभी का आरक्षण का प्रावधान की व्यवस्था हो, लेकिन ये कंपनी किसी न किसी तरीके से अड़ंगा लगाने में लगा हुआ है। ये भी एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी आगे आप लोगों को। इसीलिए आप रात को रात अब देश के उसी सभी को ढके के गिराना पड़ेगा, नहीं तो इस देश के आदिवासी दलित पिछड़ों लोगों के लिए कोई जगह नहीं बचेगा। तो सरकार अपने पिछले 2 सालगिरह पर इस तरह के कार्यक्रमों का संपादन कर चुकी है। एक बार फिर ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या गतिविधियां होती है वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। सर्वजन पेंशन योजना का लाभ, केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ, सीएमईजीपी योजना का लाभ, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ, धान अधिप्राप्ति के लिए किसानों का निबंधन, पीडीएफ के तहत राशन कार्ड को जोड़ना आधार कार्ड से, हड़िया शराब व्यापार से जुड़ी महिलाओं को वैकल्पिक रोजगार देना, ग्रामीण पत्रों के आवेदनों का निष्पादन, बिजली पेयजल से जुड़ी समस्याओं का निपटारा, अन्य योजनाओं के आवेदन का शिविर में निपटारा, हर गांव में मनरेगा के कम से कम 5 योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर काम, असंगठित मजदूरों का ई श्रम निबंधन, प्रवासी मजदूरों का पोर्टल पर व्यवस्था देखना, इसके अलावा भू राजस्व के अद्यतन रसीद निर्गत करना, भू राजस्व से संबंधित विवादों का निपटारा करना, धोती साड़ी लुंगी और कंबल अन्य परिसंपत्तियों का वितरण करना। चलिए तो अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो दरअसल इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की यह कोशिश है कि राज्य के नागरिकों को पंचायत स्तर पर शिविर में योजनाओं का प्रचार हो, उन्हें लाभ देना जो अब तक योजनाओं से वंचित हैं, शिविर में ही ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त करना, आवेदन की जांच करके उन्हें स्वीकृति देना, योजना का लाभ ऑन द स्पॉट दिया जाना, नागरिकों को सभी योजनाओं की जानकारी देना ताकि पात्र लोग योजना का लाभ उठा सकें। पंचायत स्तर पर शिविर में योजनाओं का प्रचार प्रसार मुख्य रूप से हो। तब कुछ और ग्राफिक्स के माध्यम से इस योजना से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ हम साझा करते हैं। जैसे किस तरह से एप्लीकेशन स्टेटस की
जांच करें। आप अपने आवेदन को ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस कॉलम पर जाकर एप्लीकेशन नंबर डालें, फिर एक नया पेज खोलकर आएगा। इस पेज पर एप्लीकेशन का स्टेटस आप देख सकते हैं। योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस कॉलम में जाकर आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। और अगर आपको पता करना है कि आपके इलाके में कब कैसे शिविर लगेगी, तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे दें। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खोलकर आएगा। होम पेज पर आपको कैंप्स डिटेल पर जाकर क्लिक करना होगा। सामने एक नया पेज खोलकर आ जाएगा और इस पेज पर सभी शिविरों की जुड़ी सूची दिखाई देगी। इसके बाद आप कैंप डिटेल के सेक्शन में जाएं, वहां डिस्ट्रिक्ट कैंप शेड्यूल के ऑप्शन पर क्लिक करें, या फिर कशिश न्यूज के साथ जुड़े रहें। कशिश न्यूज के माध्यम से आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हर अपडेट जानकारी मिलती रहेगी।